जाना मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि उम्मीद देता है कि तुम हमेशा की तरह चली तो गए पर हमेशा के लिए नहीं गए। क्या हुआ? सर मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों? सर वहां और भी लाशें होंगी। जाहिर है मुर्दा खाना। सर थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। बेटा यस, हमेशा डिपार्टमेंट में ये लाशें हमारा पेन पेपर होती हैं और वो मुर्दा खाना हमारा ऑफिस। अगर इन सबसे प्रॉब्लम है तो कोई और काम कर लो। सर चलो। बस जाओ। T7F फीमेल, उम्र 25-26 साल और लाश हमें सादकाबाद के पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग के छत पे मिली। लेकिन उस पूरी बिल्डिंग में इसे कभी किसी ने वहां नहीं देखा। और कॉज ऑफ डेथ अनोन फिलहाल। सवाल ये है छत पे क्या करी थी? सब्जेक्ट के चेहरे पर चोट का वाज़े निशान मौजूद है लेफ्ट साइड पे। और राइट चीक पर चोट का निशान है जैसे नील है। तुम हंसे क्यों? तमाशा चल रहा है यहां? जी मुझे कह रहे हैं कोई और है यहां? यहां नहीं तो आप मुझे। आप मुझे क्या? हां हंस क्यों रहती? कोई लतीफा याद आ गया था? मुझे भी सुनाओ। नहीं वो गलती से। नहीं वो गलती से इस पे इस लाश पर हंसी आ रही है तो ना
बहुत मजाक लगती है तुम्हें? इसने मुझे आंख मारी थी। नहीं, कुछ नहीं। चुप। गलती हो गई। चुप। नाम क्या तुम्हारा? जी जावेद, जावेद भट्टी। देखो जावेद, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी दिन रात यहाँ ड्यूटी होती है, इसलिए तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। हुर्मत करना सीखो मैयत की, ये हक है इनका। जैसे आपने हुर्मत की बाली चुरा के, अपने काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करने दो। सर आई एम सॉरी, गलती हो गई, चक्कर आ गया था, आइंदा नहीं होगा। आइंदा इसकी नौबत नहीं आएगी। कल सुबह पहली फुर्सत में एसपी साहब को एप्लीकेशन दो कि तुम अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हो। सर पर मैं डिपार्टमेंट बदलना नहीं चाहता। तुम्हारे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं अकेला काम करता हूँ। पर सर, थर्टी सेवन एफ वो क्या है? डेड बॉडी उसका नंबर है। 37 फीमेल लावारिस है फिलहाल। एक तो शहर के सारे लावारिस लोग तुम्हें ही मिलते हैं। कल तक ऑटोप्सी रिपोर्ट चाहिए मुझे। कल? क्या समझते हो तुम मुझे, रोबोट हूं मैं? मेरी हालत नजर नहीं आ रही तुम्हें? पहले वारिस ढूंढ के लाओ। मैं ढूंढ लूंगा, कल तक रिपोर्ट चाहिए, वरना ये नहीं होगा। तुम्हारी वो टेप अभी तक मौजूद है मेरे पास। कब तक ब्लैकमेल करते रहोगे तुम मुझे, मेरी अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक? क्या हुआ, मर्डर? शक तो यही है। शक? फिर शक? यहां कोई फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है क्या? शक यकीन में बदल जाए तो फिर आना। अच्छा लाओ फॉर्म दो। कल मिल जाएगा तो ठीक है, फॉर्म मिलेगा तो काम हो जाएगा। मैंने कहा ना कल फॉर्म मिल जाएगा, और ये मुर्दा खाने में कौन पागल बैठाएगा? मुर्दा खाने में पागल ही बैठते हैं। सर सर सर, गलती हो गई, एक चांस दे दे। तुम गए नहीं अभी तक? नहीं, मैं राइड बुक करवा रहा हूँ। बाइक नहीं तुम्हारे पास? नहीं सर, वो थाने में है, मैं एम्बुलेंस पे आया था। घर कहाँ है? यहीं पास में है सर। चलो आओ मेरे साथ। पुलिस कब ज्वाइन किए? 3 महीने हो गए हैं सर।
वैसे शौक तो इंजीनियर बनने का था, दाखला भी हो गया था। तो यहाँ क्यों आ गए? सर अफोर्ड नहीं कर सकता था, घर के हालात ही कुछ ऐसे थे। पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी तुम्हें, पार्ट टाइम पढ़ लेता। घर में बाप भाई नहीं है कोई? सिर्फ माँ और एक बहन है, मामू के साथ रहते थे। मामू भी पुलिस में थे तो मैं भी। क्या थे पुलिस में? SHO, शहीद। शहीद? नाम क्या था? नासिर वली। तुम नासिर साहब के भांजे हो? यस सर। काफी अच्छा वक्त गुजारे मैंने उनके साथ, एक तरह से उस्ताद थे मेरे, ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। सर आपके बारे में भी वो यही कहते थे? नहीं, मैं हम जैसा नहीं हूं। ईमानदार ऑफिसर शहीद हो जाते हैं, और मैं अभी जिंदा हूं। नहीं सर, ऐसे ना कहें, आप ही की वजह से तो मैं होमिसाइड में आया हूं। गलती की है हमारी लाइन में, या तो जमीर का कत्ल हो जाता है या अपना। कमजोर दिल यहां नहीं चल सकता। सर वो मेरा घर आ गया, ये पास गली में ही मेरा घर है। सर मजबूत कर लूंगा दिल को, सीख जाऊंगा, बहादुर हो जाऊंगा। बहादुरी सीखी नहीं जाती, और बहादुर होना कोई फख्र की बात भी नहीं। मेरा काम मौत को करीब से देखना, और जब भी झांका अंधेरा ही पाया। इंसान कैसे कैसे जुल्म गुनाह बर्बरियत करने का हामिल है तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। जमीन के ढाई गज नीचे कैसी कैसी कहानियां छुपी हैं, यकीन जानो तुम जानना नहीं चाहते। लायक बच्चे हो, कोई ऐसी फील्ड चुनो जिसमें तुम्हारे लिए अच्छा फ्यूचर हो। सर बस एक चांस दे दे, अगर ना कर सका ना तो खुद ही पीछे हट जाओ। ठीक है, देखते हैं। कल सुबह वहीं आ जाना जहां बॉडी मिली थी। थैंक यू। और सुनो, हमारे डिपार्टमेंट में ये यूनिफॉर्म हर वक्त नहीं पहनते, और ये हर वक्त सलूट भी नहीं मारते। और क्या पढ़ें? हाँ, क्राइम, क्राइम पढ़ते हैं। अरफात मार्केट में दिन दहाड़े डाका, 30 लाख की नकदी ले उड़े। ओहो, लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए एक शख्स बिजली के खंभे पर चढ़ गया। 2 घंटे मज़ाकरात के बाद बिजली बहाल की गई तो वो करंट लगने से मर गया।
जब से तुम गई हो नींद नहीं आई मुझे। लगता है भाई की भी नहीं। नींद की फिक्र नहीं है मुझे। बस तुम्हारा जगाना याद आता है। तुम्हारी वो आवाज, सरखुशी, तुम्हारा कहना, ठुआका, उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्या हुआ है? कुछ नहीं। नहीं नहीं सर, ये तो आपको बहुत जोर की लगी है, गिरे गए थे कहीं? मेरे साथ चलना है तो अपने सवालों को ब्रेक लगाओ। सॉरी सर। इन्वेस्टिगेशंस में हमें स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इसलिए कभी मेरे कहे पर सवाल मत उठाना। यस सर। अरे यस सर ऐसा करना बंद करो, जब तक कहूँ ना बोलना मत। यस सर। सॉरी सर। चुप रहकर ऑब्जर्व करो, नजर रखो छोटी सी छोटी चीज पर, सीख जाओगे या भाग जाओगे। दुनिया सर। हाँ तुम छत पर जाओ, मैं आता हूं। लेकिन सर मैंने अभी तुम्हें समझाया कि क्वेश्चन मत करो, जस्ट डू व्हाट आई से, गो। ओके। तो हर जगह दिखाई देने लगी है मुझे। बात करो, एक खेल खेलना मेरे साथ।
छत पर क्या कर रही थी? क्या वो यहीं रहती थी? छत पर आकर मरी, मारी गई या मारने आई थी? खुदकुशी की कोशिश या दिखावा? खुद आई थी या लाई गई? उसकी मौत को खुदकुशी दिखाने की कोशिश, मगर उस वक्त कुछ हुआ और वो अपना मकसद पूरा नहीं कर सका, भाग गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं DSP आ गया हूँ। छत पर जो लड़की की लाश मिली है उसके बारे में तफ्तीश चल रही है, कुछ सवाल कर सकता हूँ आपसे? मुझे कुछ नहीं पता। हमें अभी आप पर शक नहीं है, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं इसके बाद शक हो भी सकता है। मैं उस लड़की को नहीं जानता। उससे पहले कभी देखा यहाँ बिल्डिंग में आसपास कहीं? यहीं रहती थी? नहीं, कभी भी नहीं देखा। मैंने तो बस इतना सुना कि छत पर एक लाश पड़ी मिली है। किससे सुना? गली में लोग बात कर रहे थे। किसी को सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते देखा? नहीं। और कभी खुद गए? मेरी हालत देखो, मेरे घुटने जवाब दे चुके हैं, मेरा क्या काम ऊपर। लेकिन गली में तो जाना होता है, कहा ना कि वहीं सुना था लाश का। दिन में एक दफा जाता हूँ सौदा सलफ लेने के लिए, और फिर घंटों घुटनों को टकोर देता रहता हूँ। डॉक्टर की पर्ची दिखाऊं? नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ये पूछ सकता हूँ कि आप कब से यहाँ रह रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल? अच्छा, और कौन कौन रहता है इस फ्लोर पे? सामने एक आदमी रहता है, बातचीत नहीं करता, वो भी अपने काम से काम रखता है मेरी तरह। नाम क्या उसका? नहीं मालूम। मैं उस साहब का नाम नहीं जानता। नहीं, और कोई सवाल? नहीं, शुक्रिया। सर, आपको शक है इन पर? अभी नहीं, बेजान जिसम को छत तक लेके जाने इनके बस की बात नहीं लगती, और अभी तो ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि मर्डर हुआ। चलो इस हमसाए से पूछते हैं जो अपने काम से काम रखता, देखें क्या कहता है। नहीं सर, कोई भी नहीं।
जरा अपना कोई तो बताना। इस फ्लैट में सामान काफी ज्यादा बिखरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत जल्दी में निकला है। बहुत गंदा आदमी है। इतनी जल्दी में मैं सामान भी साथ में लेकर जा सकूं। इस घर में कोई औरत रहती है। किसी चीज को हाथ मत लगाओ। शायद यहाँ एक बच्चा भी रहता है। थैंक यू सर। शायद नहीं, यकीनन बच्चा रहता है। हाँ, एक मर्द भी रहता है। बड़ी 7F यहीं रहती थी, लेकिन हम साहब तो कह रहा था कि यहां सिर्फ एक मर्द रहता है, तो फिर 37F कौन है सर? हाँ, नाजिया न्यास। नाजिया न्याज कौन है? नाजिया न्याज? जी, नाजिया न्याज। ये नाम नहीं सुना कभी, देखा भी नहीं। ये आपके सामने फ्लैट में रहती थी। कब? कल तक छत पर उसी की लाश मिली है, और आपने कहा था कि सामने फ्लैट में सिर्फ एक आदमी रहता था। मैंने कभी किसी और को नहीं देखा, कभी सुना भी नहीं। बच्चा भी था उनके साथ।
औरत और बच्चे की आवाजें तो सुनी हैं, पर मैं समझा जिन भूत हैं। इस इमारत में बहुत हैं। अपना शनाख्ती कार्ड दीजिए और पुलिस को बताए बगैर आप शहर से बाहर कहीं नहीं जा सकते। लेकर आइए। सर, आपको लगता है वो चाचा सच कह रहा था? वो औरत और वो बच्चा जिन थे? नहीं, मुझे भी नहीं लगता सर। मैं मुर्दों की तरह जिन और भूत से भी डर लगता हूँ। सर, क्या आपको नहीं लगता? आपने उस कमरे में जाते ही सारा मुम्मा हल कैसे कर दिया? कल क्या किया? अभी तो मामा खड़ा है। सर, अब पता है स्टेशन में सब कहते हैं कि आप क्राइम सीन में जाते ही सब कुछ हल करते थे, जैसे आप में मुर्दों से बात करने का एक टैलेंट हो। सर, कोई टैलेंट नहीं है मेरे पास। अगर होता भी तो टैलेंट में होता कर सकते। सर, कौन थी औरत? मैं भी दिखाई थी। सर, क्या बात है, आज तो आप मुस्कुरा रहे हैं पहली दफा। चुप, ठीक था। ऐसा करो तुम यहीं ठहरो। वापसी हो गई? वापसी हो गई? वारिस मिल गई क्या? हाँ, मिल गया। और मेरा शक भी यकीन में बदल गया। उसका मर्डर हुआ था। कहा था ना, ऑर्डर मिलेंगे तो काम करूंगा। मैंने कहा था कि ऑर्डर मिल जाएगा। तो ऑर्डर निकलवा लिया तुमने, फिक्र न करो, शाम तक हो जाएगी। शाम हो चुकी है, मुझे अभी चाहिए। क्या मतलब अभी चाहिए? मेरे पास और भी काम है। कहा ना हो जाएगा तो बुलवा लो। मैं आ चुका हूं। आ चुके हो तो जा चुको। कहा ना बुलवा लूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। क्या कर रहे हो आगा? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। आगा, तुम क्या समझते हो कि हेड ऑफिस ऐसी हो जाती है? चलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि टॉपसी कैसे करते हैं। बॉडी कहां है? बॉडी कहां है? हैं? बॉडी कहां है? यहां नहीं है। उस्मान, बैठ चेक करो। यस सर। जी सर। खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बैठ चेक करो। यस सर। वही है। दूसरा बैठ चेक करो।
वही है कि नहीं? नहीं। हो जाते हैं। बॉडी कहां गई है? मुझे क्या पता बॉडी कहां है? बॉडी यहां नहीं है तो मुझे क्यों लेके आए आप? बॉडी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कौन लेके गया उसे? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं डॉक्टर हूं, कुछ चौकीदार नहीं उस मुर्दा खाने का। चौकीदार? यहां यहां अटेंडेंट था जावेद, वो कहां है? मैं किसी जावेद औरत को नहीं जानता, और हां मैं जा रहा हूं, तुमने जो करना है ना वो कर लो, दुनिया को जो मेरे बारे में राज दिखाने वो दिखा दो, मैं देख लू। हेलो, उठो इडियट। सर 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 बात क्या सर सर लगा रखी है तुमने? बार बार ऐसे बेहोश होते रहोगे तो काम कैसे चलेगा? सर मैं एडजस्ट कर लूंगा, तब तक आप मेरी कहीं बाहर ड्यूटी लगा दें। भी करने जा रहा हूं, कि लाश गायब हो गई है। गायब हो गई है कैसे? खुद ब खुद? खुद ब खुद के बच्चे जाहिर है किसी ने उठाई है। कोई है जिसे उस लाश के पोस्टमार्टम से तकलीफ हो रही है? गन है तुम्हारे पास? सॉरी नहीं। चलाइए कभी? जी सर ट्रेनिंग में, पर बंदों पे नहीं चलाई कभी। लग रहा तुम्हारे किसी काम की नहीं। तुम एक काम करो। यस सर। जहां से बॉडी मिली थी वहां जाओ। यस सर। रेकी करो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और उस चाचा पे भी नजर रखो। यहां देखता हूँ कि लाश गायब कैसे हुई है यहां से। डन सर। जाओ। ओके। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।